तो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू बीरस और वेजिटा से ब्रोली के बारे में पूछता है, मगर वो दोनों गोकू को बस एक ही बात बताते हैं कि ब्रोली मर चुका है। लेकिन गोकू को ये यकीन होता है कि ब्रोली अभी भी जिंदा है और वो ब्रोली को भी ढूंढ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं पिकोलो गोहान को ट्रेन करता है ताकि गोहान पिकोलो के अटैक में माहिर हो जाए। दूसरी तरफ जिरेन भी कुछ नया करने की सोचता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और जिसने पिछले एपिसोड को नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख लेना। और आपके लिए ड्रिप गोकू के स्पेशल एपिसोड की प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, चेक कर लेना। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, फादर ने कहा है कि गोहान और चिरेन की फाइट आज शाम को ही होगी। बीरस कहता है, क्या ये बात गोकू को पता है? विश कहता है, नहीं, मैंने लॉर्ड वेजिटा से कह दिया, इसलिए वो उन्हें खबर कर देंगे। बीरस कहता है, विश, तुम मेरे साथ यूनिवर्स 6 चलोगे? विश कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, क्या आपने कुछ सोचा है? बीरस कहता है, नहीं, मगर मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये महसूस किया कि चैंपा ने सुपर ड्रैगन बॉल्स का यूज किया है। विश कहता है, क्या बात कर रहे हो लॉर्ड बीरस, चैंपा को भला आप क्या विश चाहिए है? बीरस कहता है, यही तो जानना है, चलो चलते हैं वहीं पर। विश कहता है, एज योर विश लॉर्ड बीरस। अब चीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू से बोलता है, ककरोट, तुम्हारे लिए खबर आई है, ग्रैंड मिनिस्टर ने कहा है कि गोहान और जिरेन आज शाम को ही फाइट करेंगे। गोकू बोलता है, क्या आज शाम को, इतनी जल्दी? गोहान कहता है, डैड, अब क्या करना है? वेजिटा कहता है, करना क्या है, अब फाइट होगी। और मेरा यकीन करो गोहान, जिरेन की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए गुस्सा देखा है, वो तुम्हें बहुत ही धोने वाला है। गोकू कहता है, तो तुम किस काम आओगे वेजिटा, आखिर तुम भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए चलो गोहान की मदद करो और जिरेन के बारे में कुछ बताओ। वेजिटा कहता है, अब गोहान तो बड़ा हो चुका है, हमसे पावरफुल भी हो चुका है, तो वो हमसे भला क्यों हेल्प मांगेगा? गोहान कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैंने तुमसे जितनी भी बदतमीजी करी उसके लिए मुझे माफ कर देना और इस फाइट को जीतने में मेरी मदद करो प्लीज। वेजिटा कहता है, अब तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है, चलो कैकरोट, अब पीछे हट जाओ। गोकू बोलता है, तुम क्या करने जा रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, गोहान, क्या तुम मेरे हमलों से बचने की कोशिश करोगे? गोहान बोलता है, ठीक है वेजिटा, मैं ट्राई करूंगा। वेजिटा कहता है, तो फिर ठीक है। वेजिटा अब अपना फाइनल फ्लैश को चार्ज करने लगता है। अब ये देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वेजिटा नहीं, नहीं वेजिटा। गोहान भी वेजिटा की एनर्जी को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि तभी वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश पूरी तेजी से गोहान की तरफ मारता है। अब गोहान वेजिटा के फाइनल फ्लैश को बहुत ही स्ट्रॉन्गली तरीके से रोक रहा होता है। अब वेजिटा की एनर्जी से गोहान धीरे धीरे कमजोर हो रहा होता है कि तभी वेजिटा गोहान के पीछे आ जाता है। गोहान अब वेजिटा को अपने पीछे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि तभी वेजिटा अपना पंच गोहान के मारने वाला होता है, मगर वेजिटा रुक जाता है। गोहान का शॉक्ड फेस देखकर वेजिटा हंसने लगता है, क्या हुआ, ये तो बस एक मूव था। गोकू कहता है, वेजिटा तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। गोहान कहता है, वेजिटा ये तुमने अभी क्या किया, तुमने तो मुझे एकदम सरप्राइज ही कर दिया है। वेजिटा कहता है, यही तो वो अटैक है जिससे सामने वाला बंदा सिर्फ हारता ही है, इसमें तुम्हें ओपोनेंट को पहले भ्रम में डालना है, तुम्हें उसे दिखाना है कि तुम उसे सामने से मार रहे हो, और जब उसे तुम पर यकीन हो जाए तब तुम्हें अपनी टेक्निक को चेंज कर देना है जिससे ओपोनेंट को सरप्राइज मिले और वो तुम्हारे सामने कुछ भी ना कर पाए। गोकू कहता है, वाह वेजिटा, तुमने तो कमाल की टेक्निक बता दी, इसे तो मैं भी सीखना चाहूंगा। वेजिटा कहता है, मैं गरीबों को ये नहीं सिखाता हूँ। गोकू कहता है, हे, तुमने गरीब किसे कहा, और अगर मैं गरीब हूँ तो तुमने गोहान को क्यों सिखाया? वेजिटा कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने एक अमीर बाप की लड़की से शादी की है, जिस वजह से मैं काफी अमीर हूँ। गोहान ने भी तो एक अमीर बाप की लड़की से शादी की है, तो वो भी तो अमीर हुआ। बेटा तुम तो वहीं रह गए,
तुम्हें ओक्स किंग ने जंगल में एक घर दे दिया बस। गोकू कहता है, क्या तुम अब मेरा मजाक बनाना बंद करोगे वेजिटा? वेजिटा कहता है, ओके बेटा गोहान, चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप सिखाता हूँ। गोहान कहता है, ओके। वेजिटा बोलता है, तुमने जिरेन की एक नई टेक्निक के बारे में सुना ही होगा, जिसमें वो अपनी बॉडी को सॉलिड बना लेता है। लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मैंने इसका तोड़ उसी वक्त निकाल लिया था। मेरा यकीन मानो, अगर मैं तुम्हारी जगह जिरेन से फाइट करता तो मैं उसे कब का हरा चुका होता। गोहान कहता है, तो वेजिटा तुम मुझे बता दो कि किस तरह से जिरेन की उस टेक्निक को ब्रेक किया जाए। वेजिटा कहता है, अगर तुम्हें उसे हराना है तो उसके एक ही पॉइंट पर हमला करो, बार बार करो, ताकि उसका मजबूत कवच टूट जाए। अगर तुम एक ही जगह पर वार करोगे तो वो जगह वीक होती जाएगी और फिर तुम उसे हरा सकोगे। गोकू कहता है, मगर वेजिटा जिरेन के एक ही जगह पर वार करना थोड़ा मुश्किल होगा। वेजिटा कहता है, अब इतना तो गोहान को करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जीतेगा कैसे, और मुश्किलों का सामना तो इसे करना ही पड़ेगा। गोहान कहता है, वेजिटा ठीक बोल रहा है डैड, मुझे कैसे भी करके जिरेन को हराना ही है। अब सीन जाता है यूनिवर्स 6 में, जहाँ पर चैंपा बोलता है, वेडोस क्या हमें राइकून को ट्रेनिंग देनी चाहिए है? वेडोस कहती है, मुझे तो नहीं लगता लॉर्ड चैंपा, क्योंकि राइकून तो सुपर शेनरॉन की तरफ से आया है। तभी राइकून कहता है, आपकी एंजल सही कह रही है, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो उन दोनों को अकेला ही हरा सकता हूँ। तभी वेडोस कहती है, ये तो लॉर्ड बीरस की एनर्जी है। तभी चैंपा चौंक जाता है और कहता है, क्या वीरस यहाँ आ रहा है वेडोस? वेडोस कहती है, हाँ लॉर्ड चैंपा। तभी चैंपा कहता है, राइकून जल्दी से कहीं पर छुप जाओ। राइकून अब वहाँ से गायब हो जाता है। चैंपा कहता है, इसे भी अभी मरना था, यहाँ बीरस क्या करने आ रहा है? अब बीरस वहाँ पर आ जाता है। चैंपा कहता है, आओ बीरस आओ, कहो कैसे आना हुआ? बीरस कहता है, काफी दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए, तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। चैंपा कहता है, ओ ऐसी बात है, तो बताओ अर्थ से मेरे लिए क्या लाए हो? बीरस कहता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि कई दिनों से मैं अर्थ गया ही नहीं हूँ। चैंपा कहता है, भाई तुम खाली हाथ आते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बीरस कहता है, और बताओ कैसी चल रही है कंपटीशन की तैयारी? चैंपा कहता है, कौन सी तैयारी बीरस? बीरस बोलता है, ओह तुम तो पहले ही बाहर हो गए थे, मुझे काफी अफसोस हुआ। अब चैंपा मन में कहता है, अफसोस तो तुम्हें बाद में होगा, जब ये कंपटीशन मैं जीतूंगा। बीरस कहता है, तुम काफी कुछ नजर आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? चैंपा कहता है, नहीं तो क्या होना था? विज कहता है, लॉर्ड बीरस मेरे हिसाब से आपको मेन मुद्दे की बात कर लेनी चाहिए है। चैंपा कहता है, तुम क्या बात करने के लिए आए हो बीरस? बीरस कहता है, चैंपा मैंने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल की एनर्जी सेंस की थी, तो क्या तुम कुछ बताना चाहोगे कि तुम क्या कर रहे थे सुपर ड्रैगन बॉल्स के साथ? चैंपा कहता है, क्या कहो? सुपर ड्रैगन बॉल और यहाँ? तुम्हें शायद कोई सपना आया होगा बीरस, मैंने तो काफी सालों से सुपर ड्रैगन बॉल्स देखे ही नहीं। बीरस कहता है, अच्छा इसका मतलब ये मेरा कोई वहम ही होगा। चैंपा कहता है, हाँ और तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हो। बीरस कहता है, ठीक है तो फिर हम चलते हैं। वेडोस कहती है, आप दोनों इतनी दूर आए हो, क्या आप हमारे साथ लंच करना चाहोगे? चैंपा तभी बीच में बोल पड़ता है, अरे वेडोस तुम क्यों इनका समय बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इन्हें बहुत ही काम है, शाम को इनका मैच भी तो है। बीरस कहता है, चैंपा सही कह रहा है, वेडोस हमें थोड़ी जल्दी है, इसलिए हम फिर कभी लंच करेंगे। विश कहता है, तो अब चले लौट बीरस। बीरस कहता है, हाँ क्यों नहीं। अब बीरस वहाँ से चला जाता है। चैंपा वेडोस को गुस्से में कहता है, तुमने क्या मेरे खानदान को खाना खिलाने का ठेका ले रखा है? वेडोस कहती है, और चैंपा आप राइकॉन को उनसे छुपा क्यों रही हो? हमें उसे राइकॉन से मिला देना चाहिए था। चैंपा कहता है, हाँ ताकि वो बीरस ग्रैंड मिनिस्टर से मेरी शिकायत करे और सभी मेरी लाश पर नाचे। अब सीन जाता है यूनिवर्स 7 पर। गोकू कहता है, देखा गोहान, वेजिटा तुम्हारी कितनी चिंता करता है, तो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए वो रेडी रहता है। वेजिटा बोलता है,
अब शायद मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है और अभी टाइम कम है, वरना मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाता। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम करने हैं। इतना कहकर वजीटा वहाँ से चला जाता है। गोहान बोलता है, डैड क्या इतनी ट्रेनिंग काफी है, अब मुझे थोड़ा आराम भी करना है। गोकू कहता है, तुम जा सकते हो गोहान, लेकिन ज्यादा मत सोना क्योंकि शाम को हमें जाना है। गोहान कहता है, ठीक है डैड। और टीम जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर बीरस गहरी सोच में पड़ा होता है। विश कहता है, आप किस सोच में पड़ गए हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, विश मुझे लग रहा है कि चंपा कुछ छुपा रहा है, उसने पक्का कुछ तो किया है। विश कहता है, अब उनकी बात छोड़िए लॉर्ड बीरस, क्योंकि थोड़ी ही देर में हमें फादर के पास जाना होगा। अब वजीटा भी वहां पर आ जाता है और कहता है, कैसे हो लॉर्ड बीरस? बीरस बोलता है, तुम इतनी देर से कहाँ फिरते वजीटा? वजीटा कहता है, वो मैं गोहान को ट्रेन कर रहा था। बीरस कहता है, मगर तुम्हें तो गोहान पसंद ही नहीं था, फिर तुम क्यों उसे ट्रेनिंग देकर आए हो? वजीटा कहता है, मैंने सोचा बेचारे की थोड़ी मदद कर देता हूँ। बीरस बोलता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वजीटा मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। वजीटा कहता है, कहिए लॉर्ड बीरस कि मुझे क्या करना है। बीरस बोलता है, मुझे लगता है कि चंपा कुछ गड़बड़ करने जा रहा है, लेकिन पता नहीं कि वो क्या करने वाला है। वजीटा बोलता है, ओके आगे बताइए। बीरस कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम चंपा पर नजर बनाए रखो, ताकि हमें पता चल सके कि वो क्या करने वाला है। वजीटा कहता है, ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं मोनाका को चंपा के प्लेनेट पर भेज देता हूँ, और वो एक डिलीवरी बॉय है तो किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। बीरस कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, अब हम कंपटीशन को देखने जा रहे हैं, तो तुम सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करके रखना। वजीटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस। कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट दोनों यूनिवर्स से कहते हैं, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज यहाँ पर जैनो सामान नहीं है, तो आज मैच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आज यहाँ से एक विनर निकल कर ही आएगा, और अब मुझे लगता है कि इसमें हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, तो क्या तुम दोनों फाइटर्स रेडी हो? जिरेन बोलता है, मैं हमेशा से ही रेडी हूँ। ग्रैंड मिनिस्टर आप गोहान से पूछ लीजिए। गोहान कहता है, मैं भी रेडी हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो चलिए इस फाइट को शुरू करते हैं। तभी जिरेन अचानक से अपनी रेंज में आ जाता है, जिसे देख कर गोहान थोड़ा शॉक हो जाता है। गोकू कहता है, जिरेन अभी से ही क्यों पावर अप कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोहान कहता है, लगता है ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, मगर कोई बात नहीं, इसका गुस्सा मैं ही ठंडा करूंगा। शुरुआत में ही पूरे रेज में आ जाता है, फिर जिस वजह से पूरा स्टेज हिलने लगता है और बिजली कटने लगती है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस जिरेन तो अपनी मैक्स पावर का यूज करने वाला है। बीरस बोलता है, शांत रहो गोकू। गोहान कहता है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिरेन पूरे जोर के साथ पावर अप करने लगता है और हम देखते हैं कि जिरेन अपने ग्रे फॉर्म में आ चुका है। गोकू कहता है, मैंने कहा था ना लॉर्ड बीरस, ये जिरेन अपनी मैक्स पावर को यूज करने वाला है। अब हमें जिरेन अपनी फुल पावर के साथ दिखाई देता है। जिरेन बोलता है, मैंने कहा था ना गोहान, अगली फाइट में तुम मुझसे बचने नहीं वाले हो। गोहान कहता है, तुम फिर अपना भाषण देने लग रहे हो, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला हूँ। जिरेन कहता है, डरोगे तुम जरूर डरोगे, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे पिटोगे। तभी जिरेन अपनी पूरी स्पीड से आता है और वो गोहान के एक पंच कर देता है, जिससे गोहान को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तभी जिरेन एक और पंच गोहान के मारने लगता है, मगर गोहान डोज करते हुए ऊपर उड़ जाता है। गोहान कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका है। तभी गोकू चिल्लाता है, गोहान पीछे देखो। गोकू की आवाज सुनकर वो पीछे देखता है और उसे वहां पर जिरेन दिखाई देता है, जो कि अपनी एनर्जी के साथ खड़ा होता है। तभी जिरेन गोहान पर शूट कर देता है, जिससे गोहान पर बहुत ही तेज धमाका हो जाता है। बीरस कहता है, ये गोहान कर क्या रहा है, तीन फाइट में ये एक बार भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ।
जिरेन अब गोहान पर फिर से वार करने जाता है, मगर गोहान जिरेन से बचने के लिए उससे दूर जा रहा होता है। तभी जिरेन अपनी स्पीड का यूज करता है और वो गोहान तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जिरेन गोहान के एक और पंच कर देता है जिससे गोहान को बहुत ही दर्द होता है। गोकू कहता है, गोहान ध्यान से तुम जिरेन पर फोकस करो। जिरेन कहता है, कोई फायदा नहीं है गोकू, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गोकू कहता है, जिरेन तुम गोहान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, वो तुम्हें बहुत ही आराम से हरा सकता है। जिरेन कहता है, ये हराएगा मुझे। तभी गोहान जिरेन के पंच करता है, मगर जिरेन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिरेन कहता है, तुम क्या मजाक करने आए हो यहाँ, क्या तुम इस तरह से डिस्ट्रॉयर बनोगे। गोहान फिर से एक पंच जिरेन के करता है, मगर जिरेन एक इंच भी पीछे नहीं हिलता। गोहान कहता है, तुम क्या खा के आए हो जिरेन। जिरेन कहता है, चलो मैं तुम्हें वो चीज खिला देता हूँ। तभी जिरेन एक और पंच गोहान के मार देता है जिससे गोहान की चीख निकल जाती है। बीरस कहता है, लगता है ये फाइट जिरेन ही जीतेगा, हम यहाँ पर आकर अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। जिरेन कहता है, गोहान क्या तुम्हारा भूत निकल गया डिस्ट्रॉयर बनने का। गोहान कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे जिरेन। तभी जिरेन अपनी एनर्जी से गोहान पर धमाका कर देता है जिससे गोहान को काफी चोटें लगती है। जिरेन कहता है, लॉर्ड बेलमोर ये देखिए, मैंने कहा था ना कि ये गोहान मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं इसे कीड़े की तरह मसल सकता हूँ, क्या अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है। बेलमोर कहता है, जिरेन वो गोकू का बेटा है, उसे तुम मौका मत दो, तुम उसे जल्दी से हरा दो वरना मुसीबत हम पर ही आ जाएगी। जिरेन कहता है, आप अब भी इस गोहान को ज्यादा पावरफुल समझ रहे हो, क्या आपको दिखाई देना बंद हो गया है, आपको नहीं दिख रहा है कि ये खत्म सेन है, इसमें हमसे लड़ने की जितनी ताकत नहीं है। गोकू जिरेन की बात को सुन रहा होता है और बोलता है, गोहान अब जिरेन ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, इसने हमारी सेन रेस की इंसल्ट की है, अब तक मैंने तुम्हें रोका था मगर अब नहीं, चलो जाओ और दिखा दो जिरेन को कि तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो। गोहान शांत होकर कहता है, ठीक है डैड। अब गोहान जिरेन से कहता है, चलो जिरेन अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ अपनी ताकत। और तभी गोहान अपनी रेज में आ जाता है जिसे देखकर जिरेन थोड़ा सीरियस होकर गोहान की ओर देख रहा होता है। हमें गोहान की एनर्जी साफ नजर आती है और उसकी एनर्जी से स्टेज हिलने लगता है। गोहान आखिर क्या करने वाला है, बीरस स्माइल के साथ बोलता है, यही तो मैं देखना चाहता था, चलो गोहान दिखा दो उसे। बेलमोट कहता है, मैंने कहा था ना उसे मौका मत दो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब हमें दिखाया जाता है गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में आ गया है। गोहान की एनर्जी वहाँ पर सभी को महसूस हो रही होती है। जिरेन कहता है, इसकी एनर्जी तो काफी ज्यादा है, मगर मैं इसे हरा कर ही रहूंगा। गोहान कहता है, जिरेन तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होंगे। इसके बाद सीन जाता है चैंपा पर और वो कहता है, बस एक बार हमारा फाइटर मैदान में उतर जाए फिर तो अपनी मौज ही मौज होगी। तभी वहां पर आ जाता है मोनाका और वो कहते हैं, हेलो सर। चैंपा कहता है, मोनाका तुम यहाँ। मोनाका कहता है, हाँ मैं यहाँ पर लॉर्ड बीरस के कहने पर आया हूँ, उन्होंने कहा था कि आपको अर्थ से कुछ खाना है, इसलिए मैं आपसे ऑर्डर लेने आया हूँ। अब मोनाका ऑर्डर के बहाने चैंपा के प्लैनेट में इधर उधर देख रहा होता है। चैंपा बोलता है, क्या बात है, तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या। मोनाका कहता है, अरे नहीं सर, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपके प्लैनेट को आपने कितना मेंटेन किया है। चैंपा बोलता है, अरे नहीं ये सब तो करना ही पड़ता है, वैसे तुम्हारे पास खाने के लिए क्या क्या है। मोनाका कहता है, जो आप बोलोगे लॉर्ड चैंपा। चैंपा पूछता है, और इन सब का बिल कौन भरेगा। मोनाका कहता है, बिल लॉर्ड बीरस चुकाएंगे। चैंपा हंसकर कहता है,
तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास जो भी खाने को है वो सब ले आना। मोनाका कहता है, जी लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, और हाँ 3 प्लेट भी साथ में लेकर आना। मोनाका कहता है, 3 क्यों लॉर्ड चैंपा, आप लोग तो 2 ही हो ना। चैंपा कहता है, तुमसे जितना कहा उतना करो, समझे, वरना। मोनाका कहता है, जी लॉर्ड चैंपा, आप बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। चैंपा कहता है, इंतजार तो मैं कर लूंगा, मगर तुम लेट आए तब मैं उल्टा तुम्हें लटका के तुम्हें आग में पका के नमक मिर्च लगा कर छिड़क कर खा जाऊंगा। मोनाका अब चैंपा की बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके ऑर्डर को पूरा करूंगा और वो भी वक्त पे। चैंपा कहता है, वेरी गुड। अब मोनाका वहां से चला जाता है। चैंपा कहता है, आज तुम्हें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा वेडोस। वेडोस कहती है, हाँ लॉर्ड चैंपा, आज मेरी छुट्टी हो जाएगी। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो मोनाका से मिलता है और बोलता है, मोनाका क्या खबर लाए हो। मोनाका कहता है, मुझे तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दी थी, उन्होंने तो बल्कि मुझसे खाना भी मंगवा लिया। वजीटा कहता है, कुछ तो तुम्हें पता चला होगा। मोनाका कहता है, हाँ जब मैं उनसे ऑर्डर ले रहा था तब उन्होंने मुझसे 3 प्लेट लाने के लिए कहा। वजीटा अब सोचकर बोलता है, क्या कहा, 3 प्लेट, मगर वो लोग तो 2 ही हैं, फिर 3री प्लेट किसके लिए लग रही है। मोनाका कहता है, लॉर्ड वजीटा, मैं तो वहाँ अब दोबारा नहीं जाऊंगा। वजीटा कहता है, क्या हुआ मोनाका, तुम इतने घबराए क्यों हो। मोनाका कहता है, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उन्हें खाना नहीं दिया तो वो मुझे खा जाएंगे। वजीटा बोलता है, फिर तो तुम्हें जाना ही चाहिए। मोनाका अब और भी डर जाता है। वजीटा कहता है, तुम उन्हें खाना खिलाओ, तब तक मैं लॉर्ड बीरस से मिल लेता हूँ। मोनाका अब और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब सीन जाता है जिरेन फुल पावर पर और गोहान बीस्ट पर। जिरेन अब गोहान पर वार नहीं करता। गोहान स्माइल करते हुए कहता है, क्या बात हुई, तुम मुझ पर हमला नहीं कर रहे हो। जिरेन को गोहान की बात पर काफी गुस्सा आता है। गोहान के पंच मारने जाता है, मगर अगले ही पल गोहान वहां से गायब हो जाता है। जिरेन कहता है, वो कहां गया। गोहान बोलता है, पीछे तो देखो। तभी जिरेन पीछे देखता है और हम देखते हैं कि गोहान अपनी एनर्जी को चार्ज करके खड़ा है और वो जिरेन पर जैसे ही बीम अटैक करता है, जिरेन अपनी बॉडी को सॉलिड बना देता है जिससे जिरेन उस बीम से बच जाता है। गोकू कहता है, गोहान फिर से ट्राई करो। तभी गोहान टेलीपोर्ट होकर दोबारा जिरेन के पीछे आता है, मगर तभी जिरेन भी अपनी की को चार्ज करने लगता है और जैसे ही दोनों की एनर्जी टकराती है वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी जिरेन बहुत ही तेजी से गोहान पर वार करने की कोशिश करता है, मगर गोहान अपनी फुर्ती दिखाता है और वो आराम से बच जाता है। जिरेन कहता है, तुम काफी ज्यादा फास्ट हो गए हो। और तभी गोहान बीस्ट एक पंच जिरेन के मार देता है जिससे जिरेन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। गोहान कहता है, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है जिरेन। तभी जिरेन जल्दी से उठता है और वो गोहान के पंचेस पर पंचेस करने लगता है, मगर इस बार गोहान को एक खरोच तक नहीं आती है। जिरेन गोहान के इस पावर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिरेन कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी गोहान एक पंच जिरेन के पेट में मार देता है जिससे जिरेन काफी दूर जाकर गिर पड़ता है। जिरेन कहता है, इसके अंदर की रॉ पावर तो मुझे ब्रोली की याद दिला रही है। गोहान कहता है, जिरेन चलो उठो, तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है, इसलिए आज तुम्हारा दिन आ गया है, अब तुम और ज्यादा नहीं फड़फड़ाओगे। तभी गोहान एक और हल्का कैनन भी जिरेन के मारता है जिससे जिरेन का सॉलिड बैरियर अब खत्म हो चुका होता है। गोहान बोलता है, अब तक तुम्हारी रक्षा तुम्हारा ये बैरियर कर रहा था, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा जिरेन। जिरेन गोहान की बात सुनकर घबरा जाता है और अब गोहान अपने स्पेशल कैनन बीम को खतरनाक तरीके से चार्ज करने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रिस्ट भी सीरियस हो जाते हैं। गोकू कहता है, गोहान इसकी जरूरत नहीं है, वो पहले ही हार मान चुका है। मगर गोहान गोकू की बात को इग्नोर कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं,
गोहान, अगर तुमने जिरेन को मार दिया तो तुम बाहर हो जाओगे। गोहान कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, इसने मेरे डैड को और मेरी पूरी सेंट रेस को बुरा कहा है, इसे मरना ही होगा। गोहान अब अपनी एनर्जी को चार्ज करके खड़ा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोहान पागलपंती मत करो, तुम जिरेन की जान नहीं ले सकते हो, ये रूल के खिलाफ है। गोहान बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर, ये जिरेन काफी बुरा है, इसलिए आप इसे मत बचाइए। अब जिरेन गोहान की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। तभी बीरस कहता है, ये गोहान सारे किए पर पानी फेर देगा। तभी वहाँ पर वजीटा भी आ जाता है। वजीटा आते ही कहता है, लॉर्ड बीरस, कैसी सिचुएशन है यहाँ पर? बीरस कहता है, वजीटा, ये गोहान तो जिरेन को मारने वाला है। अब वजीटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? बीरस कहता है, तुम खुद ही देख लो। ग्रैंड प्रिस्ट गोहान को समझाते हैं, गोहान तुम हमारी बात को सुनो, ऐसा मत करो, इससे तुम्हारे यूनिवर्स की बदनामी होगी। गोहान कहता है, कोई बात नहीं, इस बदनामी से तो अच्छा है कि इसकी जान ही ले लूं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोहान तो सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी गोहान अपना स्पेशल कैनन बीम चार्ज कर लेता है और जिरेन के जैसे ही वो बीम मारता है कि तभी बीच में गोकू आ जाता है और वो गोहान की बीम को रोक देता है। गोहान अब गोकू को देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, डैड आप हट जाइए बीच में से। तभी गोकू बहुत ही सीरियस होकर कहता है, बस करो, अब यहाँ पर कोई फाइट नहीं होगी। गोहान कहता है, मगर डैड। गोकू कहता है, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? चलो अब जाओ यहाँ से। बीरस कहता है, शुक्र है गोकू बीच में चला गया, अब गोहान शांत हो जाएगा। गोकू अब जिरेन को कहता है, क्या तुम ठीक हो जिरेन? जिरेन कहता है, हाँ हाँ गोकू मैं ठीक हूँ। अब गोहान गोकू की तरफ सीरियस नजरों से देख रहा होता है। गोकू कहता है, तुम अभी तक यहीं पर हो गोहान? गोहान कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा डैड, मैं यहाँ का विनर हूँ। गोकू बोलता है, नहीं तुम विनर नहीं हो, तुमने रूल्स को तोड़ा है, तुमने जिरेन को मारने की कोशिश की है। गोहान कहता है, मगर आपने अभी देखा तो था कि जिरेन ने क्या किया, जिरेन यहाँ पर लड़ने की बजाय हमारी बुराई ही कर रहा था। गोकू बोलता है, गोहान मैंने कहा कि जाओ यहाँ से। गोहान कहता है, नहीं डैड। गोकू कहता है, ओ तो अब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? गोहान कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा डैड। गोकू बोलता है, तुम इतने बदतमीज कब से हो गए हो गोहान, मैंने तुमसे कह दिया कि वापिस जाओ तो चले जाना चाहिए था तुम्हें। बीरस कहता है, वजीटा जाओ वहाँ पर गोहान को ले आओ। तभी वजीटा उनके बीच में आता है और कहता है, शांत हो जाओ कैकरोट, और गोहान तुम मेरे साथ चलो। गोहान कहता है, मगर वजीटा मैं यहाँ जीता हूँ, अगर मैं गया तो ये मुझे बाहर कर देंगे। वजीटा कहता है, वो सब मैं देख लूंगा, तुम इस वक्त चलो यहाँ से। अब गोहान रिंग से बाहर हो जाता है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, गोहान के इस बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। तभी बेलमोट कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर देखा ना आपने कि गोहान कैसे पागल हो गया था, अगर आपने उसे डिस्ट्रॉयर बना दिया तो वो सभी के लिए खतरा साबित हो सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, शांत रहो बेलमोट, अभी मैंने कोई फैसला नहीं लिया है। तभी गोकू कहता है, लॉर्ड बेलमोट ने सही कहा ग्रैंड मिनिस्टर, गोहान अभी इसके लायक नहीं है। अब बेलमोट गोकू की बात पर स्माइल करता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चलिए बाकी की बातें हम बाद में कर सकते हैं, अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर और वहाँ पर सभी मौजूद होते हैं। बीरस कहता है, अब जाकर आराम आ रहा है, अपना घर तो अपना होता है, क्यों विश? विश बोलता है, एकदम सही कहा लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, अब तुम लोग भी जाओ अपने घरों में। वजीटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस, चलो कैकरोट चलते हैं। अब वो लोग अर्थ में चले जाते हैं। सीन जाता है यूनिवर्स 6 पर, जहाँ पर चैंपा को खबर मिल चुकी होती है कि गोहान और जिरेन के बीच में क्या हुआ। चैंपा कहता है, वेडोस क्या कमाल की खबर लाई हो, अब दोनों सिचुएशन में जीत हमारी होगी, क्योंकि अब जिरेन तो वैसे ही हार चुका है और गोहान ने जो किया उसके लिए उसे वो बाहर कर सकते हैं। वेडोस कहती है,
बात तो आप एकदम सही कह रहे हो लॉर्ड चैंपा। अब राइकून कहता है, उन्होंने मेरे लिए काम को और भी आसान बना दिया है। तभी वहाँ आ जाता है मोना का और कहता है, आपके लिए ऑर्डर लाया हूँ लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, तो ले आए हो खाना, वेरी गुड, अब तुम इस डिब्बे को रखो और निकल लो यहाँ से। तभी मोनाका की नजर राइकून पर जाती है। मोनाका कहता है, माफ कीजिए सर, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। चैंपा कहता है, तुम इसके बारे में जानकर क्या करोगे? मोनाका कहता है, कुछ भी नहीं सर। चैंपा बोलता है, तो जाओ यहाँ से। अब मोनाका वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो बोलता है, लगता है इन्होंने तीसरी प्लेट इसी के लिए मंगवाई होगी, मगर ये कौन है जो गॉड्स के बराबर आकर खाना खाएगा, इसके बारे में तो लॉर्ड वजीटा को बताना होगा। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो मीरस से कहते हैं, मीरस, आज अगर गोहान दिमाग से काम लेता तो वो इस सिचुएशन में फंसता नहीं। मीरस कहता है, आप उसे एक चांस जरूर दीजिएगा फादर, वो बहुत ही अच्छा सीन है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, देखते हैं कि क्या होगा आगे। इसके बाद सीन जाता है गोकू और गोहान और वजीटा पर, जहाँ पर गोकू गुस्से में कहता है, गोहान तुम भूल गए कि हमने क्या तय किया था, तुम्हें जीरेन को मारना नहीं था। गोहान कहता है, हाँ डैड मुझे पता था, मगर उसने मेरे बारे में बहुत बुरा कहा। गोकू कहता है, और जब मैंने तुमसे कहा कि रिंग से बाहर आ जाओ तब भी तुम नहीं सुन रहे थे। अब वजीटा बीच में कहता है, क्या करो बस भी करो और ये सोचो कि आगे क्या करना है। गोकू कहता है, सोचना क्या है, अब गोहान और फाइट नहीं करेगा। पर डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हो। गोकू बोलता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम अभी रेडी नहीं हो, समझे। तभी वहाँ पर आ जाता है मोनाका और वो वजीटा से मिलता है। वजीटा कहता है, मोनाका कहो क्या खबर लाए हो। मोनाका कहता है, लॉर्ड वजीटा, जब मैंने लॉर्ड चैंपा को खाना दिया तो मुझे वहाँ पर एक शख्स नजर आया जिसके हेयर रेड और येलो कलर के थे। वजीटा कहता है, रेड एंड येलो, मगर ये कौन हो सकता है। मोनाका कहता है, दिखने में तो वो सेन ही लग रहा था। अब वजीटा सोचता है, क्या एक सेन, मगर लाल और पीले बाल वाला सेन तो मैंने कभी नहीं देखा। गोकू कहता है, तुम दोनों क्या जासूसी कर रहे हो। वजीटा कहता है, कैकरोन, लॉर्ड पीरस को शक हुआ कि चैंपा ने ड्रैगन बॉल्स का यूज किया है, मगर कहाँ किया ये नहीं पता, इसलिए हम उसकी जासूसी कर रहे हैं। गोकू कहता है, ओ तो ये बात है, मगर कौन हो सकता है वो सेन। मोनाका कहता है, देखने में तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वजीटा कहता है, कैकरोन, चैंपा को ही तो खिचड़ी पका रहा है। गोकू कहता है, देखते हैं कि वो क्या करने वाला है। अब सीन जाता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर गोहान और जीरेन को बुलाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोहान तुम ये मानते हो कि तुमने गलती की है। गोहान कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर मुझसे गलती हो गई है, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जीरेन तुम क्या कहते हो, गोहान को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर इसे डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए। जीरेन बोलता है, मुझे पता है कि गोहान ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, मगर मैं उसके जैसा गुस्सैल नहीं हूँ, मैं उसे आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं है। जीरेन कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर। तभी गोकू कहता है, मुझे एतराज है। गोहान कहता है, डैड ऐसा मत कीजिए। गोकू कहता है, नहीं तुम अभी नहीं लड़ोगे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, सोच लो गोकू, तुम्हारे हाथ से मौका चला जाएगा। गोकू कहता है, हाँ मैंने सोच लिया है। तभी गोहान गोकू से रिक्वेस्ट करके कहता है, प्लीज डैड बस एक चांस, फिर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज। गोकू कहता है, नहीं। तभी वजीटा कहता है, कैकरोन तुम गोहान को जाने दो और उसे एक चांस दे दो। गोकू शॉक होकर बोलता है, मगर वजीटा ये किसी की नहीं सुनता है। वजीटा कहता है, वो उसने तुम्हारे लिए किया और हम सभी सेंस के लिए किया, उसे नहीं पसंद कि कोई उसके ऊपर उंगली उठाए, इसलिए मत रोको उसे। गोकू अब गोहान की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है मैं अब गोहान को नहीं रोकूंगा। अब ये सुनकर गोहान के फेस पर स्माइल आ जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं,
तो फिर ठीक है, गोहान को हम एक चांस दे देते हैं और उसे आगे फाइट के लिए चुना जाता है। गोहान कहता है, मगर ग्रैंड मिनिस्टर जिरेन तो आखिरी फाइटर था ना, अब तो मैं सीधा डिस्ट्रॉयर बनूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोहान, अभी एक कैंडिडेट और बचा है। गोहान कहता है, क्या एक फाइटर और है? गोकू पूछता है, मगर ये फाइटर है कौन? ग्रैंड मिनिस्टर, ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये फाइटर है यूनिवर्स 6 से। अब यूनिवर्स 6 का नाम सुनते ही वेजिटा सीरियस हो जाता है और बोलता है, ये वही है कैकरोट जिसके बारे में मोनाका बात कर रहा था। गोकू कहता है, मगर ग्रैंड मिनिस्टर यूनिवर्स 6 तो पहले ही बाहर हो चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बात यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से हुई थी गोकू, इसलिए जब तक कोई डिस्ट्रॉयर नहीं बन जाता तब तक कोई भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ला सकता है। गोहान कहता है, मगर ये आपको पहले बताना चाहिए था ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो गोहान? गोहान कहता है, यकीन है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि डिस्ट्रॉयर बनने के बाद तुम किसी से पिटते फिरो, और वैसे भी ये लास्ट फाइटर है, इसके बाद कोई अपना कैंडिडेट नहीं लेकर आया। वेजिटा कहता है, फाइट कब है ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, वो तुम्हें जल्द ही बता दिया जाएगा, तो रेडी रहना और ऑल द बेस्ट फाते। और वो कहता है, अब हमारी बारी है लेडोस, हम इस मैच को बड़े ही आराम से जीत जाएंगे क्योंकि हमारे पास सुपर चेंड्रोन का वॉरियर है। लेडोस कहती है, मगर लॉर्ड चैंपा आपको नहीं लगता कि हमें सुपर चेंड्रोन से मदद नहीं लेनी चाहिए थी? चैंपा बोलता है, अरे तुम चुप करो, तुम अगर किसी को बताओगी तो सब पता चल जाएगा, वरना ये राज राज ही रहेगा। वेडोस कहती है, ठीक है लॉर्ड चैंपा, मैं तो बस आपके ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रही हूँ। चैंपा कहता है, वेरी गुड, अब बस फाइट का इंतजार करो। अब सीन जाता है गोहान पर और वो बोलता है, वेजिटा लॉर्ड बीरस, क्या आप मुझे बताओगे कि अगली फाइट में कौन आने वाला है? बीरस कहता है, गोहान तुम थोड़ी देर चुप करो, और वेजिटा बताओ मोनाका ने क्या देखा? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मोनाका ने एक लाल पीले बालों वाला सेन देखा था, और वो काफी पावरफुल भी है, ऐसा मोनाका ने बताया है। बीरस कहता है, गोकू तुम क्या कहते हो? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे भी ऐसे सेंस के बारे में कोई खबर नहीं है। बीरस कहता है, मैं चैंपा को जानता हूँ कि वो बड़ा ही शातिर है, उसने इस मैच में दोबारा ऐसे ही कदम नहीं रखा है। वेजिटा कहता है, आप कहो तो मैं यूनिवर्स 6 मर जा कर आऊँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, मुझे लगता है कि हम में से किसी को वहां जाना चाहिए। वेजिटा कहता है, तो फिर ठीक है मैं वहां जाता हूँ। गोकू कहता है, वेजिटा लगता है कि मुझे भी साथ चलना चाहिए है। वेजिटा कहता है, नहीं कैकरोट तुम यहीं रहो और गोहान को ट्रेन करो, मैं वहां जाकर पता करता हूँ। पीरस कहता है, ठीक है वेजिटा जाओ, मगर याद रहे कि वहां कोई झगड़ा ना हो। वेजिटा कहता है, जी लॉर्ड पीरस। अब सीन जाता है बेलमोट पर और वो जिरेन से कहता है, क्या हुआ जिरेन, तुमने तो कहा था कि तुम्हें खुद पर यकीन है, और वहाँ ग्राउंड में भी तुमने मेरी बात को नहीं माना, अब देख लो रिजल्ट। जिरेन कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे मालूम नहीं था कि गोहान अचानक से इतना पावरफुल हो जाएगा। टोपो कहता है, जिरेन तुमने तो नाक कटवा दी, खैर छोड़ो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब सीन जाता है फिर से यूनिवर्स 6 पर, जहाँ पर वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा विच और वेजिटा यहाँ पर आ रहे हैं। चैंपा कहता है, ये हमारे ही यूनिवर्स में क्यों भटक रहे हैं? वेडोस कहती है, शायद उन्हें पता चल गया होगा। चैंपा कहता है, चुप करो तुम। तभी वेजिटा वहां पर आ जाता है और कहता है, कैसे हो चैंपा? चैंपा बोलता है, बहुत बढ़िया, तुम बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ? वेजिटा कहता है, तुम्हें तो पता ही है ना कि अब नेक्स्ट फाइट गोहान और यहाँ के फाइटर के बीच में होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे देख लूं। चैंपा कहता है, ओ मुझे माफ करना वेजिटा, मगर मैं उसे तुमसे नहीं मिलवा सकता हूँ। वेजिटा कहता है, क्यों, कोई खास वजह? चैंपा कहता है, वो फाइटर यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए तुम उससे डायरेक्ट मैच में ही मिलना। वेजिटा कहता है, ओ चलो भी चैंपा, मुझे पता है कि वो यहीं कहीं है, तुमने उसे छुपा कर रखा है, तो जल्दी करो। चैंपा कहता है,
वो यहाँ नहीं है, उसे आने में समय लगेगा, वजीटा कहता है। ओह कोई नहीं, हम तब तक वेट कर लेते हैं। क्यों विश? विश कहता है, हाँ लॉर्ड वजीटा, और मैं तो खाना भी बांध कर लाया हूँ। वजीटा बोलता है, बहुत बढ़िया किया विश। तो चैंपा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? चैंपा कहता है, नहीं तुम रुक सकते हो। वेडो सब चैंपा से कहती है, मैं तो कहती हूँ इन्हें राइकून से मिलवा दीजिए और इस मामले को यहीं पर ठंडा कर दीजिए। चैंपा कहता है, ठीक है ले आओ उसे, मगर यहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल्स का कोई भी जिक्र नहीं करेगा, और ये बात तुम उसे भी समझा देना। वेडोस कहती है, जी लॉर्ड चैंपा। वजीटा कहता है, और बताओ चैंपा, तुमने कंपटीशन में दोबारा आने का कैसे सोचा? चैंपा बोलता है, मैं तो बस ग्रैंड मिनिस्टर की मदद करना चाहता हूँ ताकि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉयर मिल सके, और मेरा यकीन मानो कि गोहान अगर जीतता है और मैं तो उसे एक्सेप्ट भी करूँगा। वजीटा कहता है, ठीक है चैंपा, अब उसे जल्दी से ले आओ। तभी वहाँ पर राइकोन आ जाता है और वो कहता है, लॉर्ड चैंपा क्या आपने मुझे बुलाया? चैंपा कहता है, हाँ इनसे मिलो, ये है हमारे पड़ोसी यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर। अब वजीटा राइकोन की तरफ देखता है और उसकी की को सेंस करने की कोशिश करता है, मगर वजीटा को उसकी की सेंस नहीं होती। राइकोन कहता है, कोशिश बेकार है। वजीटा राइकोन से कहता है, तुम्हारे बारे में मैंने पहले तो सुना नहीं, तो तुम कहाँ से आ गए? राइकोन कहता है, मैं एक यूनिक सेयन हूँ जो यूनिवर्स में बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब वजीटा मन में सोचता है, मैं इसकी की को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर कौन है ये? राइकोन बोलता है, ओह हमने तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। हाय मेरा नाम है राइकोन। वजीटा कहता है, मेरा नाम है वजीटा, और सच बताऊं तो मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। राइकोन भी मन में सोचता है, इसे मुझे देखकर क्या अच्छा लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वजीटा कहता है, विश क्या कहते हो, चलें? विश कहता है, जी लॉर्ड वजीटा। राइकोन कहता है, क्या आप दोनों थोड़ा लंच करना चाहोगे? वजीटा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने आया था। चैंपा कहता है, तो कैसा लगा तुम्हें मेरा फाइटर? वजीटा कहता है, बहुत खूब चैंपा, बाकी सब इसकी ताकत मैच में ही पता चलेगी। अब वजीटा वहाँ से चला जाता है। चैंपा कहता है, ये पक्का कुछ तो दिमाग में चला रहा है। राइकून कहता है, कोई बात नहीं, करने दो उन्हें जो करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो सारी बातें बीरस को बता देता है। बीरस कहता है, अगर उसकी ताकत का हमें पता नहीं चलता है तो ट्रेनिंग का कोई फायदा ही नहीं है। वजीटा कहता है, ये मैच गोहान के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। गोहान कहता है, मैं उसे भी देख लूंगा। तभी वजीटा बोलता है, हर बारी ओपोनेंट तुम्हारी फॉर्म के हिसाब से नहीं आता है, समझे? तुम्हें और ट्रेनिंग करनी चाहिए। गोकू कहता है, मैं तो इस मैच से परेशान हो चुका हूँ, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिक्स पर और वो जैनो से कहता है, जैनो सामा, यूनिवर्स 13 का 90% काम पूरा हो चुका है, अब बस डिस्ट्रॉयर की तलाश है। जैनो बोलता है, तो तुम्हें कब मिलेगा वो डिस्ट्रॉयर? ग्रैंड प्रिक्स कहता है, बस एक फाइट के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन है डिस्ट्रॉयर के लायक। जैनो कहता है, मगर ध्यान रहे डाई, वो यूनिवर्स एकदम सही होना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप चिंता मत करिए ग्रैंड जैनो, मैं जानता हूँ कि यूनिवर्स 12 यूनिवर्स के बाद मल्टीवर्स में डार्क एनर्जी आ जाती है, लेकिन हम डिस्ट्रॉयर यूनिवर्स 12 के अंदर से चुन रहे हैं, इसलिए अब कोई परेशानी नहीं होगी। जैनो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम एक बार उनको भी इन्फॉर्म कर देना। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, क्यों ग्रैंड जैनो, आप नहीं चलने वाले हो वहाँ पर? जैनो कहता है, नहीं डाई, मुझे तो अब इनकी फाइट देखकर नींद आती है, इसलिए तो मैं जाना वहाँ पर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है ग्रैंड जैनो, ये काम आप बस मुझ पर सौंप दीजिए। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर। बीरस कहता है, अजीब बात है, जब मैं चैंपा के प्लेनेट में गया था तब तो चैंपा ने मुझे किसी से नहीं मिलवाया, और अब देखो अचानक से उसका फाइटर भी आ गया। गोहान कहता है, लॉर्ड बीरस, हम एक काम करते हैं, हम उन सभी को यहाँ पर बुला लेते हैं, इसी बहाने मैं भी उस फाइटर से मिल लूंगा। बीरस कहता है, तुम्हें उससे मिलकर क्या करना है? गोहान बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ओपोनेंट कौन है।
वजीटा कहता है, नहीं गोहान, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि चैंपा को हम पर शक हो रहा है कि हम उसकी जासूसी कर रहे हैं। अब मीरस वहां पर आ जाता है और कहता है, कैसे हो आप सभी? गोकू कहता है, मीरस तुम यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? मीरस कहता है, हाँ गोकू सब ठीक है, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने के लिए आया था। विश कहता है, मगर अचानक से तुमने कुछ बताया भी नहीं। मीरस कहता है, वैसे मैं आप सभी को ये बताने आया था कि फादर ने मुझे यूनिवर्स 13 के लिए चुन लिया है। अब गोकू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो मीरस, तुम्हें ग्रैंड मिनिस्टर ने एंजल के लिए चुना। मीरस कहता है, हाँ गोकू, मगर मैं ये चाहता हूँ कि गोहान ही मेरा डिस्ट्रॉयर बने, क्योंकि मैं तो खुद ही यूनिवर्स 7 से हूँ। विश कहता है, नहीं मीरस, एक बारी तुम एंजल बन गए तो तुम यूनिवर्स 7 के नहीं रहोगे और तुम्हें एक एंजल लाइफ बितानी होगी। मीरस कहता है, जानता हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ ताकि गोहान से कह सकूँ कि मैच को वही जीते। गोहान कहता है, टेंशन मत लो मीरस, इस मैच को मैं ही जीतूंगा। मीरस बोलता है, अच्छा तो मेरे पास यहाँ रुकने का समय नहीं है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। गोकू कहता है, ठीक है मीरस। अब मीरस वहाँ से चला जाता है। गोहान बोलता है, मेरी टेंशन तो अब बढ़ती ही जा रही है, पता नहीं आखिरी फाइटर कितना स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट अनाउंस करते हैं, तो यूनिवर्स 6 और 7 के डिस्ट्रॉयर और एंजल, आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट फाइट आज शाम को होगी, इसलिए सभी रेडी रहना, और इस फाइट में मुझे किसी की कोई गलती नहीं दिखनी चाहिए है, जैसे पिछली बार हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मैच को जीतने वाला डिस्ट्रॉयर की पोजीशन को पालेगा, तो तैयारी कर लो। अब सीन जाता है वजीटा पर, वो गोहान से कहता है, गोहान आज शाम को तुम्हारी फाइट होगी, इसलिए रेडी रहना। गोहान कहता है, ये ग्रैंड मिनिस्टर इतनी जल्दी क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वजीटा कहता है, वो ऐसे ही हैं, क्या तुम भूल गए उन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर को कितनी जल्दी शुरू कर दिया था। बीरस कहता है, वजीटा तुम ही गोहान को ट्रेनिंग दे दो। वजीटा कहता है, कैकरोड कहाँ गया, वो क्यों नहीं ट्रेनिंग दे रहा है। बीरस कहता है, वो यहाँ नहीं है। वजीटा कहता है, वो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ गया। बीरस कहता है, पता नहीं कहाँ गया वो, ऊपर से ग्रैंड मिनिस्टर ने आज ही फाइट रख दी है। अब हम देखते हैं गोकू को, जो कि अपनी ट्रिप फॉर्म में है और वो इनविंसिबल होकर चैंपा पर नजर रख रहा होता है। गोकू बोलता है, मैं भी तो देखूं कि वो फाइटर कौन है। अब गोकू देखता है कि चैंपा और राइकून आपस में बात कर रहे होते हैं। गोकू राइकून को देख लेता है और बोलता है, ओह माय गॉड, क्या यही है वो सैन? नहीं, इसका पावर लेवल काफी ज्यादा है, इसे गोहान नहीं हरा सकता है। तभी चैंपा कहता है, वेडोस चलो चलने की तैयारी करो। वेडोस कहती है, जी लॉर्ड चैंपा। गोकू कहता है, नहीं गोहान इसके लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है, अब क्या होगा। शुरुआत होती है गोकू से और वो बीरस से बोलता है, लॉर्ड बीरस, मैंने उस सैन की पावर को चेक किया है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वजीटा कहता है, मगर मुझे तो उसकी एनर्जी सेंस नहीं हुई थी। बीरस कहता है, गोकू क्या तुम सही बोल रहे हो? गोकू कहता है, जी हाँ लॉर्ड बीरस, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसकी पावर चेक की है। बीरस कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर गोहान का जितना इम्पॉसिबल है। गोहान कहता है, नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ, आप सभी सोच रहे हो कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। गोकू गुस्से में कहता है, क्योंकि वो तुमसे कई गुना ताकतवर है, इतनी बात तुम्हारे कान में घुस नहीं रही। वजीटा कहता है, तो अब क्या करना है। बीरस कहता है, हम ऐसे पीछे तो नहीं हट सकते हैं, अब हम काफी आगे आ चुके हैं। गोकू कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि गोहान अभी इतना स्ट्रोंग नहीं है कि वो डिस्ट्रॉयर बन सके, और मैं तो यही कहूंगा कि गोहान इस फाइट से पहले ही पीछे हो जाए। गोहान कहता है, आपका मतलब है कि मैं पीठ दिखाकर भाग जाऊं? वजीटा कहता है, नहीं, कैकरोड कहना चाहता है कि इस फाइट में तुम्हें बहुत सी इंजरी हो सकती है, तो तुम पहले ही फाइट से बाहर हो जाओ। गोहान कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मुझे मालूम है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूं, इसलिए मैं तो इस फाइट में जाऊंगा और जीतूंगा।
गोकू कहता है, इसका मतलब कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, मत मानो, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। बीरस कहता है, देखो गोकू, अब इस तरह से गोहान को पीछे मत करो, वरना हमारे यूनिवर्स की इंसल्ट होगी कि हमने कोशिश ही नहीं करी। गोकू कहता है, मैं समझ सकता हूँ लॉर्ड बीरस, मगर लड़ाई उससे होनी चाहिए जो बराबर का हो, वरना मैच तो एक तरफा ही हो जाएगा। गोहान कहता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं मैच को किसी भी हाल में जीत कर ही रहूंगा। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो कहता है, वेडोस, जाने की तैयारी कर ली है ना? वेडोस कहती है, हाँ लॉर्ड चैंपा, मैंने आपके लिए ढेर सारा खाना भी पैक कर लिया है। चैंपा कहता है, हाँ, रास्ते में मुझे बड़ी जोरों से भूख लगती है। तभी वहां पर बैल मोड़ आ जाता है और वो कहता है, कैसे हो चैंपा? चैंपा कहता है, तुम यहाँ पर कैसे? वेडोस, तुमने मुझे इसके आने की खबर क्यों नहीं दी? बेलमोड कहता है, वो मैंने ही वेडोस से कहा था कि तुम्हें वो कुछ ना बताएं। चैंपा कहता है, तुम मेरे यूनिवर्स में क्या करने आए हो? बेलमोड कहता है, अरे गुस्सा मत करो चैंपा, मुझे सब पता है कि तुमने दोबारा इस कॉम्पिटिशन में कैसे पार्टिसिपेट किया है। चैंपा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? बेलमोड कहता है, अब इतने भी भोले मत बनो, तुम्हें बताई है कि मेरी नजर सभी यूनिवर्सिस में रहती है, तो मुझे सारी जानकारी है। चैंपा कहता है, लगता है तुमने अभी तक बदमाशी करनी छोड़ी नहीं है। बेलमोड कहता है, यार मैंने क्या कर दिया यार, मैं तो बस तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ। चैंपा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा बेलमोड? बेलमोड कहता है, घबराओ मत चैंपा, तुम मुझे अपने साथ ही समझो, मैं ये बात किसी को नहीं कहूँगा कि तुमने सुपर ड्रैगन बॉल से उस फाइटर को बुलवाया है। चैंपा कहता है, अरे भाई, तुम बार बार सुपर ड्रैगन बॉल की बात मत करो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बेलमोड चैंपा को देखकर हंसने लगता है। चैंपा कहता है, तुम इतना क्यों हंस रहे हो, और अब कुछ कहोगे कि यहाँ पर क्या लेने आए हो? बेलमोड कहता है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इस लड़ाई को तुम थोड़े अलग तरीके से जीतो। चैंपा पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? बेलमोड अब फिर से हंसने लगता है। अब सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, गोकू जाओ और तुम ग्रैंड मिनिस्टर से टाइम को थोड़ा और बढ़वाओ, और वजीटा तुम जाओ और बेलमोड को यहाँ लेकर आओ। वजीटा कहता है, बेलमोड को यहाँ पर क्यों लाना है लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, तुम बेलमोड को नहीं जानते, उसके पास पूरे मल्टीवर्स की जानकारी रहती है और वो ही हमारी मदद कर सकता है। गोकू कहता है, आप क्या करने की सोच रहे हैं लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चैंपा ने सुपर ड्रैगन बॉल का यूज किस लिए किया है। इसके बाद सीन जाता है चैंपा पर और वो कहता है, वेडोस, बेलमोड काफी अच्छा आइडिया देकर गया है। वेडोस कहती है, तो अब क्या करना है? चैंपा स्माइल करके कहता है, करना क्या है, जाओ और जाकर हिट को यहाँ पर बुलवाओ। वेडोस कहती है, हिट को? मगर क्यों लौट चैंपा? चैंपा बोलता है, अब बेलमोड के दिन बहुत ही कम बचे हैं और वो कुछ ज्यादा ही जासूसी कर रहा है, तो अब उसे पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। वेडोस कहती है, जैसी आपकी इच्छा लौट चैंपा, मैं हिट को काम सौंप देती हूँ। हिट को कहना कि काम इतनी बारीकी से होने चाहिए कि किसी को खबर ना हो कि इसमें किसका हाथ है, और इसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत भी दी जाएगी। अब सीन जाता है बेलमोड पर और वो बोलता है, मार्गरिता, मैं जरा फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मार्गरिता कहती है, जी लॉर्ड बेलमोड। अब मार्गरिता वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेलमोड नित्य क्रीड़ा में लगा हुआ है। तभी वहां पर पहुंच जाता है हिट और वो बेलमोड को पीछे से देख रहा होता है। बेलमोड को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हिट उसके पीछे खड़ा है। हिट कहता है, अरे यार, बेलमोड कितनी बांस मार रहा है, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही है। खैर छोड़ो, मुझे इस मिशन में काफी ज्यादा माल मिलने वाला है। अब हम देखते हैं कि बेलमोड का ध्यान कहीं और ही है और पीछे से हिट अपनी किलिंग एनर्जी को चार्ज कर लेता है और फिर हमें बेलमोड की एक चीख सुनाई देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वजीटा यूनिवर्स 11 पर आ चुका है और वो टोपो से कहता है, कैसे हो टोपो? टोपो कहता है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है वजीटा। वजीटा अब कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है।
हाँ मैं सही कह रहा हूँ, लॉर्ड बेलमोड का मर्डर हो गया है। वजीटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या बात कर रहे हो टोपो, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ ये सच है वजीटा, लॉर्ड बेलमोड अब नहीं रहे। वजीटा पूछता है, मगर कैसे, आखिर कौन है वो जिसने ये सब किया? टोपो कहता है, पता नहीं कि ये किसने किया है। तभी जिरेन भी वहां पर आ जाता है और बोलता है, टोपो मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला कि सब कौन कर गया। बेचारे लॉर्ड बेलमोड अपने ही पोटी पर गिरे पड़े थे। वजीटा अब चौंक होकर पूछता है, क्या कोई यहाँ पर आया था? जिरेन कहता है, वजीटा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वजीटा बोलता है, मैं तो बेलमोड से ही मिलने आ रहा था, मगर मुझे यहाँ आकर पता चला कि वो तो नहीं रहे। टोपो कहता है, मुझे उनकी मौत पर काफी दुख है। वजीटा कहता है, मार्गरिता कहाँ पर है, उसने तो देखा होगा। टोपो बोलता है, नहीं मार्गरिता को तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया था। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो स्माइल के साथ खड़ा होता है। हिट कहता है, आपका काम हो गया है लॉर्ड चैंपा, मैंने काफी बारीकी से उनका मर्डर किया है। चैंपा कहता है, बहुत बढ़िया हिट, तुमने आज एक बेहतरीन काम किया है, मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मेरे राज को जाने। हिट कहता है, आप मेरी कीमत भी मुझे दे दीजिए। चैंपा कहता है, हाँ तुम्हें मैं दो प्लैनेट्स दे रहा हूँ, अब वहाँ के किंग तुम होंगे। हिट अब खुश हो जाता है। अब सीन जाता है बीरस पर, जहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा वो शॉक नजर आता है। बीरस कहता है, वजीटा ये कैसे पॉसिबल है? वजीटा कहता है, जब मैं वहाँ गया तब टोपो ने ही मुझे ये खबर दी। बीरस कहता है, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, उनके यूनिवर्स में दिन दहाड़े कौन भला मर्डर कर सकता है। वजीटा कहता है, और ये काम किसी ने इतनी सफाई से किया कि बेलमोड को खुद अपनी सफाई करने का मौका नहीं मिला। बीरस पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वजीटा कहता है, उसे किसी ने उसके टॉयलेट में ही मारा है। बीरस ये सुनकर एक अजीब सा फेस बना लेता है। बीरस कहता है, कहीं ये काम उस चैंपा का तो नहीं है, कहीं उसे पता चल गया हो कि हम उसकी जानकारी ले रहे हैं। वजीटा कहता है, नहीं चैंपा को कैसे पता होगा, हम तो बेलमोड से मिले भी नहीं। बीरस कहता है, तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता है, अब गोहान को सीधा उससे फाइट ही करनी होगी। वजीटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, अब तो गोहान का लकी उसे जितवा सकता है। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो कहता है, मुझे माफ करना बेलमोड, मैं ये करना नहीं चाहता था, मगर तुम्हें यहाँ पर आना नहीं था, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो जिंदा रहते। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिज पर और वो यूनिवर्स 6 और 7 से कहते हैं, चलो अब बहुत टाइम हो चुका है, दोनों ही यूनिवर्स जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, अब हमें इस प्रोसेस को काफी जल्दी बढ़ाना है। अब हम देखते हैं कि गोकू का फेस भी शॉक में बदल जाता है, क्योंकि वजीटा उसे भी बेलमोड की मौत के बारे में बता चुका होता है। गोकू कहता है, वजीटा ये काम मुझे किसी बाहर वाले का लग रहा है, क्योंकि अंदर तो इतने पावरफुल लोग नहीं है जो बेलमोड को मार सके। वजीटा कहता है, हाँ मगर ये काम अंदर वालों का भी तो हो सकता है, क्योंकि बेलमोड को प्राइवेट प्लेस में मारा गया है। अब बीरस कहता है, अब तुम दोनों बकवास करना बंद करोगे, जो जा चुका है उसकी बातें मत किया करो, अब चलो ग्रैंड मिनिस्टर हम सब का वेट कर रहे हैं। वजीटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस। थोड़ी देर के बाद दोनों यूनिवर्स ग्रैंड प्रिस्ट के स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गोहान पहली बार राइकून का हंसता हुआ चेहरा देखता है। गोहान कहता है, लॉर्ड बीरस क्या यही है वो जिसके साथ फाइट होने वाली है? बीरस कहता है, होली ऐसे तो यही लगता है, अब देखना ये है कि ये करता क्या है। चैंपा कहता है, और कैसे हो भाई, देखो मेरे फाइटर को तुम्हें बहुत ही इच्छा हो रही थी ना। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चैंपा तमीज से पेश आओ, तुम भूलो नहीं कि तुम कहाँ पर हो। चैंपा कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूनिवर्स 7 को इतना समय कहाँ पर लग गया? वजीटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर हमें समय कचरे को समेटने में लग गया, इसलिए देरी हो गई थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। वजीटा कहता है, कमेंट पढ़ लेना फिर पता चल जाएगा, मुझसे तो बताया भी नहीं जा रहा है।
सीन की शुरुआत होती है मैच के स्टेज पर, जहां पर ग्रैंड मिनिस्टर ने दोनों यूनिवर्स को बुलाया हुआ है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, अब आप सभी यहां आ ही गए हो तो चलिए शुरू करते हैं आज की फाइट को। और याद रहे कि ये फाइट डिस्ट्रॉयर के चुनाव के लिए हो रही है, तो किसी की इसमें जान नहीं जानी चाहिए। गोकू अब राइकून की तरफ बहुत ही सीरियस नजरों से देख रहा होता है। चैंपा अब मन में सोचता है, एक बार मैं इस मैच को जीत जाऊं तो मेरे पास दो यूनिवर्स हो जाएंगे। बीरस भी चैंपा की तरफ देख रहा होता है और मन में कहता है, मुझे पता है कि तुम कितने कमीने किस्म के आदमी हो, तुम इस मैच को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो अब दोनों फाइटर्स, मैं चाहता हूँ कि आप रिंग में आ जाएं। अब गोहान रिंग में आ जाता है। पीरस कहता है, ऑल द बेस्ट गोहान। इसके बाद राइकून रिंग में आ जाता है, जिसकी पावर अब गोहान को साफ साफ सेंस हो रही होती है। गोहान राइकून की पावर को जैसे ही सेंस करता है, उसका चेहरा शॉक में बदल जाता है। वजीटा गोहान के शॉक्ड फेस को देखकर बोलता है, लगता है गोहान को भी उसकी एनर्जी सेंस हो गई है। बीरस कहता है, अब जो होगा देखा जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि इस मैच के बाद दोनों में कोई दुश्मनी हो। ध्यान रहे, ये बस एक मैच है, हम कोई दुश्मनी निकालने के लिए ये फाइट नहीं कर रहे हैं, तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाओ। तभी राइकून हंसते हुए कहता है, मेरा नाम है राइकून, तुमसे मिलकर खुशी हुई। गोहान कहता है, मेरा नाम है सन गोहान, मुझे भी तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। राइकून बोलता है, मुझे अफसोस है कि मुझे सेन से ही फाइट करनी पड़ रही है। गोहान कहता है, अफसोस कैसा, हम तो बस एक पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो क्या तुम दोनों फाइट के लिए रेडी हो? अब गोहान अपने मन में सोचता है और सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहां पर गोकू गोहान से मिलता है और कहता है, गोहान कैसे हो बेटा? गोहान बोलता है, डैड आप यहां पर? गोकू कहता है, हाँ गोहान, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही टेंशन में हो, मगर तुम्हें पता है कि मैं कई बारी ऐसी सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ। गोहान पूछता है, फिर आपने ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था डैड? गोकू कहता है, मैंने फाइट के लिए कभी ये नहीं सोचा कि आज ओपोनेंट काफी बड़ा है, तो आज मुझे इतनी ट्रेनिंग करनी है। मैं ट्रेनिंग सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने के लिए करता हूँ, ना कि दूसरों को हराने के लिए। गोहान कहता है, तो आप हर फाइट में इतना बेहतर कैसे करते हैं? गोकू कहता है, मैं हमेशा फाइट को सिचुएशन के हिसाब पर छोड़ देता हूँ, और फिर मेरे साथ एक अजीब सा होता है जिससे मैं फाइट को जीत जाता हूँ। गोहान कहता है, आपने कहा था कि मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ, तो वो सच था, आप झूठ नहीं बोल रहे थे? गोकू कहता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुमने कहा कि तुम इस फाइट को लड़ोगे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। गोहान पूछता है, कैसी हेल्प डैड? अब गोकू गोहान को एक एनर्जी देता है, जिससे गोहान की बॉडी काफी चमकने लगती है। गोहान कहता है, डैड ये क्या है, मैं काफी ज्यादा एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। गोकू कहता है, हाँ मैंने तुम्हें कुछ एबिलिटी दी है, लेकिन याद रखना ये एबिलिटी तुम्हें सिर्फ हेल्प करेगी, इससे तुम मैच को नहीं जीतोगे, मैच तो तुम्हें अपने दम पर ही जीतना होगा। गोहान कहता है, तो डैड मुझे कौन सी एबिलिटी मिली है, कुछ बताओगे? गोकू कहता है, ये एबिलिटीज मुझे दूसरे डायमेंशन से मिली थी, इसमें तुम्हारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, तुम्हारा वेट काफी कम हो जाएगा, और तुम फाइट के वक्त ज्यादा थकोगे नहीं। गोहान कहता है, हाँ डैड मैं अपने आप को काफी हल्का फील कर रहा हूँ। गोकू कहता है, और मैं तुम्हें डैमेज पावर तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उससे काफी खतरा हो सकता है जो रूल्स के खिलाफ होगा, बाकी मैंने तुम्हें एक अनब्रेकेबल शील्ड दी है जो तुम्हें हर तरह की पावर से प्रोटेक्ट करेगा, तुम पर कितना भी बड़ा ब्लास्ट हो जाए तुम्हें खरोच भी नहीं आएगी, मगर ये हर वक्त तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगी, इसको तुम्हें कंट्रोल करना होगा। गोहान कहता है, ठीक है डैड मैं समझ गया हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है, गोहान गोकू की तरफ देखता है, गोकू गोहान को स्माइल के साथ देख रहा होता है।
ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, राइकून क्या तुम रेडी हो फाइट के लिए? राइकून कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। अब ग्रैंड प्रिस्ट गोहान से पूछते हैं, गोहान तुम रेडी हो फाइट के लिए? गोहान कहता है, हाँ मैं भी रेडी हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब फाइट करो। गोहान कहता है, मुझे अगर इसे डैमेज देना है तो मुझे अपने फाइनल वाली फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। इसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला है। अब गोहान अपनी रेज में आने लगता है। बीरस पूछता है, गोहान क्या करने जा रहा है? वजीटा कहता है, शायद वो इस सेंस के लेवल का होना चाहता है। गोहान अपनी रेज को ऐसे बढ़ाने लगता है कि वहां पर सभी को गोहान की एनर्जी काफी ज्यादा महसूस होने लगती है। चैंपा कहता है, ओह ये छोटे मोटे पावर अप से हमारा कुछ नहीं होगा। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा आप गोहान को कम मत समझिए, याद रखिए कि वो किसका बेटा है। अब हमें दिखाया जाता है कि गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। राइकून कहता है, अरे वाह तुमने तो नेचुरल फॉर्म का यूज किया है, मानना पड़ेगा काफी पावर है तुम में। गोहान कहता है, अब तुम्हारी बारी है अपनी पावर दिखाओ। राइकून कहता है, दिखा दूंगा इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे पता तो करने दो कि तुम क्या कर सकते हो। तभी गोहान पूरी स्पीड में राइकून की तरफ वार करने के लिए बढ़ता है। ये देखकर चैंपा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। गोहान की स्पीड इतनी होती है कि सभी को वो हैरान कर देता है। चैंपा कहता है, गोहान के वार से बचो राइकून। और तभी राइकून एक स्माइल के साथ वहां पर से टेलीपोर्ट हो जाता है। गोहान कहता है, हाँ कहाँ गया वो? बीरस थोड़ा शॉक होकर कहता है, अगर वो टेलीपोर्ट नहीं होता तो बस गोहान ने उसे छू ही लिया था। वजीटा कहता है, गोहान के पास इतनी स्पीड आई कैसे? क्या करोट सच सच बताओ इसमें तुम्हारा ही हाथ है ना? गोकू हंसते हुए कहते हैं, हाँ बस थोड़ा सा, लेकिन ये सब तो रूल के अंदर ही है क्योंकि गोहान को मैंने उतनी ही पावर दी है जितनी वो सह सकता है और ये सब मैंने मैच से पहले किया है। बीरस कहता है, तुम दोनों बंदर बाहर जाकर बात करो, मुझे मैच का मजा लेने दो। अब हम देखते हैं राइकून को, वो कहता है, लाजवाब की स्पीड है तुम्हारी, तुम मेरे काफी क्लोज थे। चैंपा कहता है, तुमने सही कहा था वेडोस, ये गोकू का बेटा है, ये कुछ भी कर सकता है। वेडोस चैंपा की बात पर हंसने लगती है। गोहान अब राइकून की तरफ देखता है और गोहान की बॉडी से एक अलग ही करंट निकल रहा होता है। राइकून कहता है, तुम्हारी एनर्जी साफ बता रही है कि तुम्हारी रफ्तार बिजली से भी तेज हो गई है। गोहान कहता है, तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी गोहान फिर से राइकून की तरफ एकदम बिजली की स्पीड से जाता है, मगर राइकून वहां से फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। गोहान कहता है, आखिर तुम कब तक बचोगे? राइकून कहता है, तुम में दम है तो मुझे पकड़ लो। गोहान कहता है, तो ठीक है। अब गोहान राइकून को पकड़ने के लिए इतनी स्पीड से तोड़ता है कि राइकून के ऊपर एक एनर्जी का गोला बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोहान अब उस एनर्जी के गोले से बाहर है। अब गोहान बोलता है, थंडर ब्लास्ट, और तभी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अमेजिंग ये पावर तो काफी खतरनाक है, गोहान ने ये कैसे किया? अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उस ब्लास्ट से राइकून बाहर आ जाता है, उसे गोहान के अटैक से कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर बीरस कहता है, वो कैसे बचा? अगर मैं इस गोले में होता तो गोहान तो मुझे लुढ़का ही देता। वजीटा कहता है, गोहान तो वाकई में स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब हम देखते हैं गोहान को और उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नजर नहीं आती। राइकून सामने स्माइल करते हुए खड़ा है। गोहान कहता है, मुझे पता था कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हो। राइकून कहता है, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है गोहान, इस मैच के बाद मैं तुम्हें अपने यूनिवर्स में एक जॉब दूंगा, क्या तुम करना चाहोगे? गोहान कहता है, फैसला अभी हुआ नहीं है राइकून, ध्यान रखो कहीं तुम्हें मेरे यूनिवर्स में नौकरी ना करनी पड़े।
इतना बोलते ही गोहान राइकून को पंच मारने के लिए जाता है, मगर तभी राइकून रिंग में एक लाइटनिंग पावर यूज कर देता है जिससे गोहान की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। अब ये देखकर चैंपा बहुत ही खुश होता है, मगर बीरस का फेस तो शॉक में बदल जाता है। बीरस कहता है, ओ नहीं, उसने तो गोहान को स्लो कर दिया। ग्रैंडफिस्ट कहते हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि राइकून की पावर भी कुछ कम नहीं है। वो गोहान के सभी वार से बच रहा है। अब देखना ये है कि क्या गोहान उसके हमले से बच पाएगा। अब हम राइकून को देखते हैं और राइकून कहता है, ये मेरा डोमेन है, यहाँ से कोई भी बच कर नहीं जा सकता है। गोहान भले ही स्लो है, मगर उसका माइंड काफी तेजी से काम कर रहा होता है और वो कहता है, मुझे इसके एनर्जी से बाहर निकलना ही होगा। तभी गोहान अपना पूरा जोर लगाता है और वो धीरे धीरे अपने माथे पर अपनी फिंगर को रखने में कामयाब हो जाता है और तभी गोहान वहां से टेलीपोर्ट होने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर राइकून को काफी गुस्सा आता है। और अब हम देखते हैं कि बीरस और गोकू और वेजिटा के फेस में स्माइल आ जाती है। ग्रैंडफिस्ट भी कहता है, वाह गोहान, तुम तो वहां से बाहर आ गए हो। राइकून कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, गोहान तुम बाहर कैसे आ गए। गोहान कहता है, ये सारे कारनामे तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। राइकून, तुम कुछ नया ट्राई करो जिससे मैं बच ना पाऊं। पीरस कहता है, वेल डन गोहान, ऐसे ही करते रहो। राइकून स्माइल करता है और कहता है, बहुत लोगों को काफी उम्मीदें हैं तुमसे, वो चाहते हैं कि तुम ही डिस्ट्रॉयर बनो। गोहान कहता है, वो भी ये चाहते हैं और मैं भी। राइकून कहता है, तो चलो अब हैंड टू हैंड फाइट कर लेते हैं, देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा फास्ट हो। गोहान कहता है, मैं यहाँ तुम्हें अपनी ताकत दिखाने नहीं आया हूँ, मुझे बस तुम्हें हराना है, चाहे वो ताकत से हो या फिर बिना ताकत के। राइकून कहता है, तो आ जाओ फिर। सो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी, मजा आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और गोहान तो अब सुपर गोहान बन गया है, तो आगे बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन अभी के लिए बाय बाय।